जय गुरु। आज श्री श्री जगत जननी बड़मा की 51st तिरोधान तिथि है। तो आज जो हविष्यान्न डाइट फॉलो करना है तो ये ऐसे होना चाहिए, मध्यान्ह में अरवा चावल या अतप राइस, मूंग या मटर दाल बॉईल करना है और उसमें कोई ऑयल या स्पाइसेस सॉल्ट यूज नहीं करना है, कॉमन सॉल्ट। कच्चा केला या ग्रीन केला बॉईल करके लेना है, घी, संदर्भ लवण, तिल और जौ, दूध, गुड़ और बतासा, चाहे तो पक्का केला ले सकते हैं। शाम के टाइम में दूध, पक्का केला, गुड़ और बतासा, सागू और फ्रूट्स लेना है। हविष्यान्न डाइट में स्पाइसेज या मसाला, साधारण नमक, चीनी व्यवहार नहीं करना है। चलिए यह हविष्यान्न व्रत को कैसे पालन करना है वो देखते हैं। हविष्य दिन सज्जत भावरे इष्ट मंत्र जप परायण हो रहा, त्रिसंध्या स्नान करिबा, वृथा वाक्यालाप वर्जन एवं मध्यान हविष्यान्न ग्रहण करिबा ही विधि। हविष्यान्न अरुआ चावल, संध्या लवण, मुग बा मटर डाली सीझा, खसा बटा, कंचा कदळी सीझा, पाचिला कदळी, घी, आंब, दूध, जब, हरिडा और अँला ग्रहणीय। दिने रे थरे परिमित भाव विधिमते हविष्यान्न ग्रहण करिया को हेबो एवं ताहा व्यतीत निहाती तृष्णाबोध करले अपारग पक्षे जल ग्रहण करा जाई पारे। हविष्यान्न व्रत हविष्यर दिन संजत भावे इष्ट मंत्र जप परान हैया थाका, त्रिसंध्या स्नान करा, वृथा वाक्यालाप वर्जन एवं मध्याने हविष्यान्न ग्रहण कराई विधि। भविष्यान्ने अतप चावल, संध्या लवण, मूंग बा मटर डाल सिद्ध, तिल बांटा, कांचा कला सिद्ध, पाका कला, घूत, आम, दूध, जब, हरितकी ओ आमले की ग्रहण करा जाए। दिने एक बार परिमित भावे विधिमत हविष्यान्न ग्रहण करिते हैबे एवं ताहा निहा तृष्णाबोध करिले अपारग बोध जल ग्रहण करिते पारा जाय। जय गुरु।